Assalamualaikum everyone, this is Mohammed Mohsin from Sufi Digital Marketing, and today we'll be talking about crypto trading and crypto investment. Crypto trading और crypto investment जो है ये बहुत basic concepts हैं और ये अब हमारे आगे वाले course में हमें बताएंगे कि हमने किस field में जाना है, हमारे लिए कौन सा field ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कौन सा field हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा और हमारा मेंटली तौर पे जो माइंड है वो किस कोर्स के लिए ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। हर इंसान का दिमाग थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ लोग आर्टिस्टिक नेचर में होते हैं, कुछ लोग मैथमेटिकल होते हैं, कुछ लोगों का माइंड एनालिसिस में बेहतर होता है, कुछ लोगों का माइंड थ्योरी में बेहतर होता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर स्किल सेट एंड आवर माइंड सेट, आई वुड सजेस्ट कि आप उस तरह की फील्ड में जाएं जो आपके माइंड सेट के लिए सही है। कुछ लोगों को फ़ोन रिटर्न चाहिए तो कुछ लोग लॉन्ग टाइम के लिए वेट कर सकते हैं, इसलिए आई वुड से कि आप अपने लिहाज से देखें कि आपको कौन सा ठीक लगता है, आपका माइंडसेट किसके ऊपर मुतमईन है, आपका दिमाग, आपकी स्किल्स, आपके बैकग्राउंड स्टडीज़ का क्या बताता है आपको कि आप किस फील्ड के लिए ठीक हैं। बट बिफोर वी गेट इन टू इट, लेट्स रीकैप व्हाट वी हैव लर्नड ऑलरेडी, लेट्स रीकन्वीन आवर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू रिमेंबर व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। ओके, सो रिकैपिंग, हमने बेयर एंड बुल मार्केट को रीड किया था थोड़ी देर पहले। बेयर मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो डाउनफॉल पे होती है, जिसके अंदर कंपेटिटर जो होते हैं या जो सेलर्स होते हैं वो जो है अपना सारा माल जो है वो निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रही होती है और इस मार्केट को बेयर मार्केट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, बुल मार्केट के अंदर स्टॉक जो होता है राइज कर रहा होता है और जो सेलर्स होते हैं वो एसेट्स को खरीदते होते हैं स्पीड पे, इसलिए मार्केट जो है राइज कर रही होती है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बेयर मार्केट इज़ बेसिकली डिक्लाइनिंग मार्केट, बुल मार्केट इज़ बेसिकली राइजिंग मार्केट। उसके अलावा हमने फट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, विच इज़ बेसिकली फेयर अनसर्टेनिटी एंड डाउट। जब आप फेयर अनसर्टेनिटी एंड डाउट के ऊपर बात करते हैं तो मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को लोग फैलाते हैं रिगार्डिंग सर्टन एसेट, ताकि वो लोग एसेट जो है डंप कर दें, वो जो डंप किया हुआ एसेट होता है वो लोग फिर उसे बाय आउट कर लेते हैं। बाय डूइंग दिस वो अच्छा भला एसेट अपने पास एक्यूमुलेट कर लेते हैं और उसे फिर अच्छे मार्जिन पर बेच के वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ दिस। Another common concept is FOMO, which is basically fear of missing out. होता यूँ है कि जब कोई चीज़ बहुत स्पीड में बिक रही होती है तो आप भी उस रुझान में अपने आप को शामिल करने के लिए आप वो चीज़ पैनिक में बाय कर लेते हैं, और ये पैनिक बाय जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स ऑफ आर लॉस इन पाकिस्तानी कल्चर एज फार हैव आई सीन। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोई भी फोमो का स्टेप ना करें, आप फियर ऑफ मिसिंग आउट के लिए पैनिक बाय ना करें, आप चीज़ को देख के समझ के फिर उसे खरीदें और उस पैनिक बाय के महले से बच सकें। अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडीड वाज होल्डर का कॉन्सेप्ट, होल्डिंग ऑन फॉर योर डियर लाइफ। बेसिकली होता यह है कि इसमें आप प्रोडक्ट या एसेट को एक लॉन्ग पीरियड के लिए खरीद लेते हैं, संभाल के रखते हैं और उसे आप जल्दी बेचते नहीं हैं, तो इस लॉन्गर पीरियड के लिए उस चीज़ को सस्टेन करके रखना, इस कॉन्सेप्ट को होल्डिंग का कॉन्सेप्ट या होल्डिंग ऑन फॉर डियर लाइफ कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो नोन एज ROI। होता यूं कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आफ्टर अ सर्टन पीरियड आपको वो चीज़ प्रॉफिट देती है या लॉस देती है, वो जो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस मिला है वो आपका ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो स्टडीड ATH एंड ATL, ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। बेसिकली ये आपकी रेंज होती है कि आपका प्रोडक्ट कितना मैक्सिमम ऊपर गया और कितना मैक्सिमम नीचे आया है। आपका जो मैक्सिमम ऊपर गया उस सर्टन टाइम पीरियड के अंदर वो आपका ऑल टाइम हाई है, सर्टन टाइम पीरियड के जो मैक्सिमम लो आया वो आपका ऑल टाइम लो है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि मैं बार बार बताता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे कभी भी ना छोड़ दीजिए, वो है डू योर ऑन रिसर्च। अपनी रिसर्च हमेशा खुद करें, किसी के ऊपर भी अंधा यकीन ना करें, हर चीज़ को दो तीन जगहों से क्रॉस रेफरेंस करके मेक श्योर कि वो चीज़ वैसे ही है। आप कभी भी पैनिक बाय या पैनिक सेल नहीं कर रहे हैं, आप सब चीज़ों को सोच समझ के क्रॉस रेफरेंस करके उन सब चीज़ों को आपस में मुशावरत करने के बाद अपनी डिसीजन में पहुँचें। नाउ दिस इज़ वेयर डू योर ओन रिसर्च कम्स इन टू, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड वाई इट्स सो एसेंशियल फॉर आवर लाइफ स्टाइल। वन अदर कॉन्सेप्ट दैट आई मिस्ड इन माई लास्ट वीडियो वॉज टू नो योर कस्टमर। इट इज़ रेगुलेशन बाई ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस कि आपका जो यूज़र है, जो चीज़ खरीद रहा है, जो एसेट खरीद रहे हैं या बेच है, उसकी आइडेंटिटी की वेरीफिकेशन होना इम्पोर्टेंट है। वो उस आइडेंटिफी
आइडेंटिफिकेशन के बाद ही आप किसी स्टॉक एक्सचेंज से वो प्रोडक्ट खरीद या बेच सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो थिंग दैट यू नीड टू नो दैट एंड नो योर कस्टमर इज ऑल्सो रियलिटी एंड वी नीड टू टेक दिस इंटू कंसिडरेशन एज वेल. ग्रेट. नाउ गेटिंग बैक टू क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, लाइक आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि हर इंसान का अपना एक माइंड सेट होता है, उस माइंड सेट के लिए ऐसे चीज़ों को एक्यूमलेट एनालाइज और समझता है कि ये चीज़ है, मैं इसके लिए क्या सोच रहा हूँ, इसने क्या करना है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा. हर इंसान का माइंड सेट उसके लिए ऐसे डिफरेंट शेट होता है, उसके स्किल सेट डिफरेंट होता है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होती है. तो आपने अपने आप को समझना है और देखना है, बट अपनी रिसर्च भी करनी है इसके ऊपर. ये अपने लिए आप असाइनमेंट समझ लें कि आप घर जाके इन सब चीज़ों को एक बार रिसर्च करेंगे, आप इन चीज़ों को गूगल पे देखेंगे और समझेंगे कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आपके ऊपर कैसे लागू होती हैं. क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हुए, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है इसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शेडी ट्रेडर्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि आप उनसे उनकी स्ट्रेटजी ले लें जिसके जरिए उन्होंने लाखों रुपया कमाया है और वो आपको स्ट्रेटजी फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दे देंगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छी भली ये जो ट्रेडर्स हैं वो फेक हैं, स्कैम्स हैं, और ये आपके पैसे आपसे चोरी करना चाह रहे हैं. आप उनसे जब उनकी ओवर ऑल द टाइम पीरियड उनकी डिटेल्स पूछते हैं या उनसे कहते हैं कि मुझे अपना ग्राफ दिखाओ, आपने आज तक कितनी ट्रेड्स की हैं, ओवरऑल कितना इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना प्रॉफिट मिला, तो कभी आपको शो नहीं करेंगे. इंस्टेड वो आपको सिर्फ एक ट्रेड शो करते हैं जिस ट्रेड के ऊपर उन्हें 25,000 USD या मे बी अ बिट बेटर अमाउंट उन्हें मिली है, बट उन्होंने उससे पहले कितना पैसा गवाया है, कितना लॉस किया है, वो आपको कभी नहीं दिखाएंगी. सो इन ऑर्डर टू गेट टू द ट्रूथ फैक्ट ऑफ दिस ट्रेडर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग इज. ट्रेडिंग के अंदर होता यूँ है कि आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ वैल्यू को एक सर्टन एसेट खरीद लेते हो, फिर सर्टन एसेट को एक सर्टन वैल्यू पे रेंज पे जाके उसे बेच देते हो. हो सकता है कि वो वैल्यू में हो अप्रिशिएट कर जाए या डिप्रिशिएट कर जाए, बट आपने जिस पॉइंट पे बेचा है वो आपका एंड रिजल्ट होगा. तो आपने जहाँ पे ख़रीदा जहाँ पे बेचा है ये आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अक्सर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो आपको तमाम उन्होंने आज तक जो ट्रेड्स किया उन सारी ट्रेड्स की डिटेल्स नहीं देती हैं. इंस्टेड व्हाट दे डू इज दैट गिव यू अ हाईलाइट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स, कि मैंने ये ट्रेड्स किए, इन पर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट एक्साइटेड बाय दिस, दे सी कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, इससे बहुत ज़्यादा पैसा बनना है, बहुत जल्दी बनना है, तो आई शुड गो इन टू. बट आई अगेन हाईली रिकमेंड कि आप उन लोगों का बैक स्टोरी देखें, उनके पास सपोर्ट्स थे, उनका नॉलेज लेवल क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, उनका स्किल लेवल क्या है, ये सब चीज़ें उनके ट्रेडिंग सेट पे जाता है. तो आप गूगल पे जाएं, जाके सर्च करें कि रेशियो क्या आती है एक अच्छे ट्रेडर की. कमोडिटी में भी देख लें आप फियाट में भी देख लें, आप क्रिप्टो में भी देख लें कि इन तीनों के जो ट्रेडर्स हैं उनका सक्सेस रेट क्या है. आफ्टर यू अंडरस्टैंड कि इसका सक्सेस रेट हाई है या लो है, उसके बाद फिर आप आगे डिसीजन लीजिएगा. मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैं बताया था कि एक बहुत लो ट्रस्ट फैक्टर क्रिप्टो ट्रेडिंग में आया हुआ है. काफ़ी सारे लोग जो है इसे बहुत प्रमोट करते हैं बट दे डोंट हैव द नॉलेज स्किल टू डू इट. आई वुड से कि आप हमेशा ट्रस्टेड लेवल पे या ट्रस्टेड एडवाइजर्स के पास जाएं इन चीज़ों को समझने के लिए, और उनका पास रिकॉर्ड देखें जिन्होंने पहले एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ है, और सिर्फ उन लोगों को फॉलो करते हुए आप सीखें. वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत एनालिटिकल है नेचर के अंदर. तो अगर आपको डायग्राम समझ में आते हैं, आपको नंबर्स की गेम का आइडिया है, आपको ये समझ में आता है कि वेदर समथिंग एल्गोरिथम्स बनाने में आपको माइंड आपको जल्दी एल्गोरिथम समझ लेता है, आपको समझ जाता है वेदर दिस थिंग इज गोइंग इन सर्टन डायरेक्शन, पैटर्न जल्दी समझ जाते हैं आप, तो आप फिर आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग अच्छा है. अगर ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल हैं, आपको ग्राफ की जल्दी समझ नहीं आती है, आप डायग्राम्स या स्केचोग्राम्स या फिर आप एल्गोरिथम्स नहीं बना सकते हैं, आपको सर्टन पैटर्न्स जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस. लास्टली, ये प्रेफर्ड उन लोगों के लिए जिनका फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वेदर दे हैव बीन थ्रू CFA, ACCA, CA, एनालिटिकल माइंड्स के लिए बेहतरीन रहता है, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस फॉर देम. मूविंग फॉरवर्ड,
क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में इन रिगार्ड्स टू क्रिप्टो ट्रेडिंग बेहतर है और ट्रस्ट फैक्टर है, ये इजी टू ग्रास्प है और इस पर इन्वॉल्वमेंट भी कम है। इन क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको रेगुलरली इन्वॉल्व रहना पड़ता है ट्रेड्स के साथ, 24 घंटे फॉलोअप लेना होता है कि कोई चीज़ मार्केट में उठ रही है, बैठ रही है, कहाँ जा रही है, वेदर बुल हो रहा है, बुश हो रहा है, बुल हो रहा है, बेयर हो रहा है, आपको इन चीज़ों को समझ के उसके साथ साथ चलना पड़ता है और 24 घंटे एक्टिवेट, ऑलमोस्ट 24 आवर एक्टिवेट रहना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में आप वंस इन अ मंथ आएंगे, अपने क्वाइंस को ट्रांसफ़र करेंगे टू US डॉलर, टू BTC और समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, और एक दफ़ा आपने इन्वेस्ट कर दिया इसके बाद आप बोर्ड्स को ये काम समझा के चले जाएँ, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहेगी। तो इसलिए इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, इससे समझना भी बहुत आसान है ड्यू टू द फैक्टर दैट इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी इन नेचर, और इसके सर्टन फैक्टर्स हैं, मार्जिनल्स हैं, आप उनके अंदर रह के खेलेंगे तो इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। इसलिए ये चूँकि इसके समझना आसान है तो ये तकरीबन तमाम लोग इसे ईजिली ग्रास्प कर सकते हैं, चाहे आप अपना PL कर रहे हैं, आपकी अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर है, चाहे आप ऑफलाइन कोई जॉब कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट जो भी हैं, आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है इफ़ यू हैव द इन्वेस्टमेंट टू गो इनटू इट। वन मोर थिंग, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, अनलाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग विच इज़ अ बिट मोर हैंड्स ऑन इन प्रैक्टिस, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है हमने जो क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं ज़रूर आप तक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फीमर दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम सफ़ीजल मार्केटिंग, अल्लाह हाफिज़।